ओम शांति। भगवान मिला, सब कुछ मिला, उसने आकर हमें नया जीवन दिया। वे स्वयं आकर हमारी छत्र छाया बन गए, उनको पाकर हम धन्य धन्य हो गए। सोचो, क्या हमने कभी कल्पना भी की थी कि इस तरह भगवान हमारी पालना करेगा, इस तरह आकर वो हमें कहेगा, बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, सदा तुम्हें मदद देने के लिए तैयार हूँ, केवल तुम मुझसे नाता जोड़े रखो। सोचो, क्या कभी हमने सोचा था कि भगवान परम शिक्षक बनकर हमें सम्मुख बैठकर सच्चा गीता ज्ञान देगा, हमारे सभी प्रश्नों को हल कर देगा, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा देगा, इतना ही नहीं हमें वरदानों से भरपूर कर देगा। अपने भाग्य को देखकर जरा मुस्कुराएं और उन प्राप्तियों को याद करें जो इस जीवन में बाबा से हमें हुई हैं। क्या क्या मिला है इस जीवन में, उसे यदि याद करेंगे तो मन प्रभु प्रेम में मग्न रहेगा, सदा हम संतुष्ट हो जाएंगे, दिल से आवाज निकलती रहेगी, हे प्राणेश्वर, हे मेरे प्यारे बाबा, आपको पाकर हम पूरी तरह संतुष्ट हुए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें संसार की इस भौतिकता की भाग दौड़ में नहीं दौड़ना है। जिन राहों पर संसार चल रहा है हमें उन राहों पर नहीं चलना है। वो वासनाओं के मार्ग, वो माया के मार्ग हमने सदा के लिए छोड़ दिए हैं। अपने से इस तरह बात करेंगे तो माया की ओर और संसार की प्राप्तियों की ओर कभी भी आकर्षण नहीं होगा। हमें संतुष्ट आत्मा बनना है, संतुष्टता ही हमारी सच्ची दिव्यता है। और सोचें, संपूर्ण ज्ञान का खजाना हमें मिला, स्वयं भगवान सबसे बड़ा खजाना बनकर हमारे पास आ गए, उससे प्रेम और पालना मिली, हमें खुशी का खजाना मिल गया। सवेरे उठते ही स्वयं भगवान हमें मिलते हैं। सोचे जरा, संसार में तो लोग सवेरे उठते हैं, कोई ना कोई समस्या मोबाइल सामने खड़ी रहती है, न्यूज पेपर पढ़ेंगे कोई बुरा समाचार अंतर मन में जाएगा, टीवी खोलेंगे न जाने क्या क्या अंदर भेजेंगे, और हम आँख खोलते हैं तो उठते ही भगवान को गुड मॉर्निंग करते हैं और उससे मिलन का संपूर्ण ईश्वरीय सुख प्राप्त करते हैं। तो ये सब सुख प्राप्त करते रहें और अपने अंतर चित्त को ईश्वरीय आनंद से भरते रहें। आज हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ईश्वरीय प्रेम से भरपूर हूँ, प्रेम देना तो मेरा नेचुरल कर्म है, नेचर है मेरी, मैं प्रेम की कामना क्यों करूं? क्या जो भरपूर होता है वो दूसरे से कुछ लेने की कामना करता है? मुझे तो प्यार देते चलना है, और ये अविनाशी सृष्टि का सिद्धांत स्वतः ही काम करेगा। जो प्यार देते हैं उन्हें प्यार कई गुना मिल जाता है। सभी आत्माओं के लिए अपने चित्त में प्रेम की भावना पैदा करें, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, कोई किसी भी जाति का है, आपको किसी ने कष्ट भी पहुंचाया है, अब उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर प्रेम पैदा करें। ये प्रेम हमारे चित्त को बहुत तृप्त करेगा, हमारी उलझनों को समाप्त करेगा। तो आज सारा दिन का अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, अपने स्वरूप को देखें और मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ईश्वरीय प्रेम से भरपूर हूँ, मुझे तो स्वयं भगवान ने प्यार किया है, वो तो मेरा प्रियतम है, आज उससे ये नाता जोड़ेंगे, वही मेरा प्राणों का प्यारा है, मेरे मन का गीत है, मेरे दिल का संगीत है। ईश्वरीय प्यार को बहुत अच्छी तरह आज सारा दिन अनुभव में लाएंगे और ऊपर को देखेंगे, सूक्ष्म लोग
लोक में, बाप दादा उनके मस्तक में चमकती महाज्योति, दोनों मुझे दृष्टि दे रहे हैं, प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, वाह मेरे बच्चे वाह, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। इस तरह प्यार की फीलिंग भी सारा दिन करते रहेंगे। ओम शांति।